आदान है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अरे ये 10 के नोट कहाँ आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नमस्ते पिताजी। 15, 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 15
पकता हूँ तबके की तरह आटा पकता है क्या है जी? वो आपको मालूम पिताजी, ज्योति और प्रकाश चले गए। कहाँ चले गए? हनीमून। हनीमून? जिसकी भी शादी होती है वो हनीमून को चल देता है। अरे बेटे, ये हनीमून है कहाँ? है कहाँ? वहाँ जहाँ मून से हनी आता है, आई मीन चांद से शहर, लेकिन सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े के लिए। अबे क्यों मुझे बनाता है? चांद से शहर कैसे आ सकता है? ना तो अभी वहाँ रूस वाले पहुँचे हैं और ना अमेरिका वाले। पिताजी, पूनम की रात को खुद ब खुद चांद से शहर टपकता है। फूल में शहद, पत्ती में शहद, मक्खी में शहद, बस शहद ही शहद। बहुत सस्ता मिलता है पिताजी, 1 रुपया किलो। आए, 1 रुपया किलो? यहाँ 20 रुपए किलो, वहाँ 1 रुपया? अरे इतना फर्क? हाँ पिताजी, मैं आपके लिए 2-1 बोतल ले आऊंगा, लाइए पैसे। अरे 2-1 क्यों? 1000-2000 बोतलें लेकर आओ, शहद की दुकान खोल लेंगे, धनपत राय एंड संस शहद वाले। धनपत राय एंड संस नहीं पिताजी, धनपत राय एंड सन हनी मर्चेंट। हनी मर्चेंट? हाँ हाँ ठीक है, अंग्रेजी का रोग ज्यादा पड़ता है। ये ले पैसे, ये ले। इतने? अरे बाबा तिजोरी में से और देता हूँ, जल्दी वहाँ पहुँच जा, तेरे से पहले कोई दूसरा ना पहुँच जाए, धड़ाधड़ शादियाँ हो रही हैं। मैं भी धड़ाधड़ गिन रहा हूँ, चलो चलो। ओह, पैसे की गलत में तुम्हें भूल ही गए। पिताजी, प्रकाश क्या लड़का हुआ? बात खुशी की बात है पिताजी, आपके लिए माताजी ने मिठाई भेजी है। मिठाई? ये तुम्हारी माँ मेरा बड़ा ख्याल रखती है। आज शाम का खाना बच गया। पिताजी, माला बच्चे को 2 तोले सोने की चेन देना चाहती है। तोले की चेन देना चाहती है? अरे बेटी, बच्चे को कौन से दरबार में जाना है सोने की चेन पहनकर? बाजार से 2 पैसे का काला धागा खरीद कर उसके गले में बांध दो, नजर से भी बचा रहेगा। मैं अपने भतीजे को 2 तोले की चेन भी नहीं दे सकती। मोती, ये औरत जात बड़ी बेअकल होती है। बेटा, बहू को अच्छी तरह समझा दे कि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। मैं बच्चे के लिए 2-4 खिलौने ले आऊंगा, वो दे दे। पिताजी, आप नहीं जानते कि 2 तोले के बदले 20 तोले सोना मिलेगा। वो कैसे? देखिए ना, हमारे घर बच्चा पैदा होगा तो माला की माँ 20 तोले सोना देगी। ओ, सौदा तो अच्छा है, 10 गुना फायदा। हे भगवान, इन दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी, उधर तो तूने बच्चा दे दिया, इधर अभी तक नहीं। कृपा कर। बहू इतना अच्छा गाना बनाती है कि मैं ज्यादा खा जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है पिताजी। अरे कहाँ अच्छी बात है, 4 रोटी की जगह 8 खा जाता हूँ, और फिर हजम करने के लिए ऊपर से चूरन खाना पड़ता है, डबल खर्चा हो जाता है भाई। बहू, तू महीने में 10 दिन अच्छा खाना बनाया कर और 20 दिन बुरा। बहू मेरे लिए, बहू बोल दू, चलती चलती। माला, मेरे लिए तो 300 दिन ऐसे ही खाना बनाना बिल्कुल अच्छा। अरे अच्छा खाना खाना है तो अपने ससुराल जाकर खाया कर। ससुराल में तो खाऊंगा, लेकिन सिर्फ कल, और आप भी। मैं भी? ए, बस रहने दे बहू, रहने दे, अगर यहाँ पेट भर लिया तो वहाँ क्या खाऊंगा। लेकिन दावत तो कल दोपहर की पिताजी। कल दोपहर की? ये तो और भी अच्छी बात है। 3 वक्त का खाना बच गया, आज शाम का, कल दोपहर का, और उसके बाद कल शाम का। मगर ये तो तुम लोगों ने बताया नहीं कि ये दावत किस खुशी में है। प्रकाश का लड़का 3 साल का हो गया है, कल उसकी सालगिरह है।
प्रकाश का लड़का 3 साल का हो गया और तेरे अभी मट्टी का बच्चा तक भी नहीं हुआ। वाह, ये तो और भी अच्छा है पिताजी। क्या अच्छा? बच्चे की खुशी में दावत जो देनी पड़ती। अरे वो बाद में देखा जाता, दावत देना कोई जरूरी थोड़ी है। तुम्हारी सास बिना दावत आती और 20 तोले सोना देती और उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहता, कभी मोती, कभी पन्ना, कभी हीरा। वो तो ठीक है, कल माला भी बच्चे को हीरे की अंगूठी देना चाहती है। मर गया। क्या कहा, हीरे की अंगूठी? जी हाँ पिताजी, छोटी सी। अरे बहू, अंगूठी छोटी हो या बड़ी, हीरा तो होगा ही ना। देख, मैं तुम्हें अष्टधातु की अंगूठी ला देता हूँ, भूत व्याधा सब से बचा रहेगा बच्चा। क्या मेरी जरा सी भी बात मानी नहीं जाएगी? कोई अधिकार नहीं मेरा इस घर में। ठीक है, कुछ नहीं दूंगी, जाऊंगी भी नहीं वहाँ। अरे मोती जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, याद रखो। तुम यहाँ बीवी ऐसे ही रहे ना, हीरे वीरे।